वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट इफ्तार के लिए एक बेहतरीन सी कबाब बनाएंगे, चिकन चीजी कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम अपने ब्लेंडिंग जार में डालेंगे 2 हरी मिर्चें जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 12-15 जो है जवे लहसुन के हैं इसको डाल देंगे। इतना झटपट बनाएंगे, ख़तरनाक बनाएंगे बिना मेहनत के। और यहाँ 2 टेबलस्पून ऑमलेट कट प्याज है ये डाल देते हैं और सबसे पहले इसको चॉप कर लेंगे। देखें चॉप 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 हो गया है। तो यहाँ हमारे पास देखें चिकन ब्रेस्ट है जो कि है 700 ग्राम के आसपास, 1.5 पाउंड के आसपास, जिसको मैंने वॉश करके पेपर टॉवल पर रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आपके पास इस पॉइंट पे कीमा है तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चिकन हो। तो इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूं है। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, इससे अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। और हमारे पास यहाँ कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही हमारे पास यहाँ डबल रोटी की स्लाइस रखी है, 2 रखी है। अब मॉइस्चर कितना कीमे में प्याज में रिलीज होता है उस पर डिपेंड है। तो अभी हम इस वक्त 1 डालेंगे। और आप इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से पिस गया और ये मैं बता रही थी कि जैसे ये स्टिकीनेस देखा आपने कितना फर्म है कि ये मैं उल्टा कर रही हूँ तो भी गिर नहीं रहा है, अच्छा सा स्टिकी है। तो बेसिकली आपको इस तरह का चाहिए। अगर ज़रा सा भी नरम की साइड पे हो तो कर ले, थोड़ा सा ब्रेड और डाल दें। देखा कितना स्टिकी है, ऐसा चाहिए हमें, इतना स्टिकी है कि ब्लेड भी स्टिक हो गई है। देखे कितनी मेहनत करके निकालनी पड़ रही है। आ जाए भाई। देखे ऑयल भी मैंने यहाँ पैन में गरम करने के लिए रख दिया है। इतनी झटपट ये बनती है और मज़े की बात है कि फ्रीज भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये रमज़ानों के लिए बेस्ट है। वैसे ही मैं आजकल इतनी सारे एक साथ शूट कर रही हूँ ताकि बाद में मैं आराम से रोज़े में परेशान ना हूँ और आप लोगों को बेहतरीन रेसिपी दे चुकी हूँ तो मुझे भी खुशी हो रही हो। तो चले कबाब बनाने से पहले एक स्लरी बना लेते हैं। यहाँ देखें 2 टेबलस्पून भर के हमारे पास कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर है, इसमें हम पानी डाल के एक पतला सा घोल बनाएंगे। और अगर किसी को ये स्लरी ना बनानी हो तो अंडा इसकी जगह आराम से यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होता है क्रिस्पी और मज़े से बाइंड भी करता है और फिर कुछ लोगों को अंडा नहीं खाना होता है तो ये बेस्ट है। तो 2 टेबलस्पून हमने कॉर्न स्टार्च लिया था और 6 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। तो ये अच्छी खासी देखें पतली सी स्लरी है इस तरह की। और साथ ही हमारे पास यहाँ है ब्रेड क्रम्स जो कि 1 कप भर के ले लिया है, मैदा जो है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है और स्लरी भी रेडी है। तो बस यहाँ तेल रखा हुआ है, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और 1 बॉल लेंगे, 1 बड़े कोफ्ते जैसा बॉल ले लिया है, इसको फ्लैट कर लेंगे अब हाथ में। इस
ऐसा ऐसा कर लिया। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास मोज़रेला स्टिक है जिसको मैंने आधा आधा कर दिया, इसको सेंटर में यहाँ डालेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी वाला हाथ लगा लेंगे यूँ। तो ये देखिए अच्छे से रोल हो गई है। तब हम क्या करेंगे, पहले मैदे में डालेंगे और एक हाथ मैदे वाला करेंगे, मतलब जब ड्राई वाला करेंगे तो एक हाथ यूज़ करेंगे और जब गीला करेंगे तब एक हाथ करेंगे ताकि मैसी ना हो जाए। तो ये हो गया मैदे में रोल, इसको अच्छे से झटक लेंगे और उसके बाद डालेंगे स्लरी में। तो स्लरी वाला हाथ गीला रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ड्राई में डालेंगे तो ये हाथ से डालेंगे ये यहाँ। और अब इसको रखते जाएंगे। और अब चीज़ डालना ज़रूरी नहीं है, हम बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि एक ये लेंगे और चूंकि हमें निशानी रखनी है कि ये कौन सा है ये कौन सा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा ले लेंगे और सेम इसी तरह पहले मैदे में टेस्ट करेंगे, उसके बाद स्लरी में डालेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। ये देखें ये थोड़ा छोटा और मोटा रखा है तो ये हमें पता चलेगा ये बिना चीज़ के है। तो चले कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीज़ वाला कुछ चीज़ बगैर का। तो ये देखें हमारी लास्ट भी हो गई और तेल भी हमारा जो है गर्म हो गया है। तेल हमें बहुत गर्म नहीं चाहिए, मीडियम मीडियम पे मैंने गर्म किया था और अब मीडियम लो कर दिया है। आप इसको इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहे तो लाइटली फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आराम से काम आ जाएंगे ये आपको एक महीने तक। जितनी आपके पैन में जगह हो उतनी डाल दें और टच नहीं करेंगे जब तक के ये बबल्स जो है वो थोड़े से शांत ना हो जाए। और इन कबाब को हम 6-7 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं, अब हम कबाबों को फ्लिप करते हैं। वैसे तो इनफ तेल डाला हुआ है कि ऊपर भी आए इतना ही डालना है, लेकिन फिर भी 3 मिनट के बाद फ्लिप करेंगे। तो अदर 3 मिनट्स इस साइड पर रखेंगे, फिर उलट पुलट के 1-2 मिनट करेंगे। देखिए अनदर 3 मिनट्स और हो गए हैं। तब अब क्या करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत होगी कलर देने की वहाँ उलट पुलट के अच्छे से कर लेंगे। और जब आपको फ्रीज करना हो ना तब आप इससे लाइट कलर रखें, हाफ फ्राई करके और रख दें, बड़े अच्छे रहेंगे। ऐसे क्रिस्पी करारे हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी चिकन चीज़ी कबाब बन गई, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। गुई गुई चीज़ी चीज़ी। क्रस्ट खतरनाक क्रिस्पी है, अंदर से चीजी, मीट एकदम खतरनाक। और ये मैंने केचप के साथ थोड़ा सा मस्टर्ड डाल दिया है तो उसका खट्टापन इतना मज़े का भी लग रहा है और प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, क्योंकि मेरी प्लेट जो है वो कंगूरे वाली है तो मैंने इसको भी इसी तरह कर दिया है। ये आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग, बनाना बहुत ज़्यादा बनता है, बच्चे बड़े सब पागल शागल हो जाएंगे। टेस्ट इस कदर ऑसम है और क्रिस्पीनेस ख़तरनाक है, गुई, और जो बिना क्या कहते चीज़ की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत अच्छी होती है, कैसी क्रंची क्रिस्पी और ये अंदर से ये देखें कैसी शानदार। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, इफ्तार को दोबाला कर दें।
चले चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।